हेलो बच्चों, निवेदिता अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक और प्रौढ़शाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा चार के पाठ एक प्रार्थना। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने सुन जाना था कि कैसे ध्रुव भगवान की तपस्या करता है और भगवान का हमेशा नाम जप के वो वरदान मांगता है कि वो तारा बन के रहे, भगवान को प्राप्त करता है और विष्णु भगवान उसके तपस्या से खुश प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और उसको एक वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? कि वो हमेशा एक तारा बन के आसमान में चमकता रहे, है ना। ऐसे ही एक कहानी के साथ हमने प्रार्थना के महत्व के बारे में जाना था, है ना। तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब भी हमें किसी से कोई काम लेना होता है तो हमें उनसे भी प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाके काम आसानी से होता है। हम किसी से ऑर्डर करके अपना काम नहीं निकाल सकते, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाके हमारा काम बनता है। तो यहाँ पे बच्चे भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से कि उनको ऐसा वरदान दे दे कि उनमें इतनी शक्ति आ जाए कि वो दीन दुखियों का कल्याण करे, गरीबों की सेवा करे, दुखियों की सेवा करे और ऐसी बुद्धि शक्ति दे कि वो हमेशा भगवान के ध्यान के ध्यान करते रहे, ध्यान में मग्न रहे। और इतना ही नहीं, एक और वरदान मांगते हैं बच्चे। क्या वरदान मांगते हैं? कि वो पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं, विश्वेश्वरैया विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी की तरह वो भी महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, दयालु बनना चाहते हैं और लोगों को, हर समाज के हर लोगों को काम आए ऐसा कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। इसके लिए वो पढ़ लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि महान बनने में, पढ़ाई लिखाई करने में भगवान उनकी मदद करे, उनको ऐसी बुद्धि शक्ति दे कि वो हर चीज को समझ पाए, सीख पाए, महान बनने के पथ पर उनका रास्ता आसान हो, कोई कठिनाई न आए। इसलिए भगवान से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। और भी प्रार्थना करते हैं बच्चे। क्या प्रार्थना करते हैं इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार और फिर से कविता पढ़ूंगी और आपको सुनना है और मुझे फॉलो करना है, करोगे ना। किताब खोलो, पेज नंबर 5, पाठ 1, प्रार्थना। ए मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करे हम दीन दुखियों का कल्याण। ए मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, बड़े हम में इतना ज्ञान, पढ़ लिख कर हम बने महान। ए मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, मिटा दे देश से अज्ञान, बढ़ाए अपनी देश की शान। ये है बच्चों कविता। और अब हम आगे के स्टांजा की ओर बढ़ेंगे। और क्या वरदान मांगते हैं बच्चे? तो अगला स्टांजा है, ए मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान,
मिटा दे देश से अज्ञान, बढ़ाए अपने देश की शान। तो बच्चे ये वरदान मांगते हैं कि देश से अज्ञानता मिटाए, देश से गरीबी हटाए, देश से अज्ञानता यानी कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, गरीब है, अमीरी है, बड़े हैं, छोटे हैं, ऐसे बहुत सारे अज्ञान भरा पड़ा है दुनिया में, देश में, वो सब मिटा के वो क्या बनना चाहते हैं? देश के शान बनना चाहते हैं। देश का शान कैसे बन सकते हैं? देश के लिए कुछ करके देश का शान बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, है ना? जैसे देश के लिए कुछ करना मतलब अभी आपने पिछले स्टांजा में जाना था, सुभाष चंद्र बोस जी सैनिक थे, वो भी देश के लिए, देश की आजादी के लिए लड़े और वो बने देश की शान। और विवेकानंद जी, उन्होंने भी भारत के हिंदू संस्कृति को, भारत के धर्म को, संस्कृति को पूरे विश्व में प्रचार किया, उसके अच्छाई के बारे में बताया, तो ये भी बन गए देश की शान। और विश्वेश्वरैया जी ने भी विदेश में एक ऐसा बांध बनवाया जो वो कभी नहीं मिटा सकते, उसमें देश का नाम ऐसे लिख के रखा कि वो नहीं मिटा सके विदेशी लोग, कि भारत का नाम नहीं मिटा सके, नहीं निकाल सके। उसके साथ ही उन्होंने बांध को अपना लिया, डैम को अपना लिया, तो ये वो भी बन गए देश के शान। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के शान बने हैं, ये तो इतिहास के लोग हो गए। आजकल भी, अभी भी, और भी हम हर रोज की जिंदगी में भी हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिनसे देश की शान बढ़ती है, जो देश के लिए काम करते हैं वो देश के शान होते हैं। सैनिक, सैनिक है ना, वो देश की रक्षा करते हैं, अपने परिवार और अपने परिजनों को, माता पिता को, बच्चों को, सबको छोड़ के वो कहाँ रहते हैं? बॉर्डर में तैनात रहते हैं, देश के बॉर्डर में रहते हैं, ताकि कोई दुश्मन देश वाले हमारे देश पे आक्रमण ना कर सके। वो उनको आक्रमण से बचाते हुए, उनके आक्रमण से बचाते हुए वो अपनी जान तक गवा देते हैं, तो वो भी बन गए देश की शान। ऐसे ही बच्चे वरदान मांग रहे हैं कि ऐसे ही कुछ देश के लिए हम भी करें और देश की शान बढ़ाए, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करे, हमारे देश का नाम ऊंचा करे, ऐसा कोई काम करना चाहते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? भगवान की दया चाहिए, कृपा चाहिए और वरदान भी चाहिए। और इतना ही नहीं, पढ़ना लिखना भी जरूरी है, सबके लिए मन में दया रखना भी जरूरी है ना? तो इस ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं और देश की शान को, देश के झंडे को हमेशा ऊपर रख सकते हैं। आप भी ऐसे ही करोगे ना? धन्यवाद।